सो हेलो मेरे भाइयों, मैंने आपको स्वागत है विलर्स वाइटी चैनल में। आज हम फिर से खेलने वाले हैं RDR2 की एक नई मिश गेम प्ले वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और वीडियो को आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हम सब पिछले मिशन में यहाँ पे रहने आ गए थे, तो अब ये इस मिशन में हमको यहाँ पे थोड़ा रहने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अब शहर में जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तो हम अंकल के पास इसलिए आए थे कि हम सब पैसे कमाने के लिए निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो हम अकेले तो जा नहीं रहते, हमारे साथ ये तीन लड़कियाँ भी चलेंगी साथ में। ये जो तीन लड़कियाँ हैं तो इनके साथ चलते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट को थोड़ा स्किप करते हैं ताकि हम जल्दी से। वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग भी हैं, हमारे साथ तो कुछ कम लोग हैं। तो इन लोगों का गाना भी चल रहा है पीछे, तीन लड़कियों का। रास्ता थोड़ा राइट से जाते हैं, वो देखो हमारे कोई दोस्त नहीं है, वो अनजान ही है। ज़्यादा दूर है नहीं वैसे वो शहर, वो जो सामने आपको दिख रहा होगा वो पहाड़ उसी के आसपास है मेरे ख्याल से। ये एक और घोड़ा गाड़ी जा रही है हमारे सामने से, पर इनको क्या हो गया यार, थोड़े घोड़े इनके घोड़े इनको छोड़ के चले गए गाड़ी को। चलो हम इनकी मदद करने नहीं रुकेंगे क्योंकि मदद करना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनको इग्नोर मारते हुए। हमें अपने काम से काम रखना पड़ेगा। तो उनके शायद मदद मिल जाएगी। देखो शायद ये शहर आ गया हमारा, देखो अगर तुमको दिख रहा होगा सामने तो ये वही शहर है जहाँ हमें आना था। यहाँ से थोड़ी ट्रेन निकल रही है, देखो ट्रेन भी कितनी मस्त है। ट्रेन ख़त्म ही हो गई है, अब हमें चलना है। सामने एक और घोड़ा गाड़ी इंतज़ार कर रही है ट्रेन के जाने का। तो ट्रेन जा चुकी है, उसमें एक ही घोड़ा है उस घोड़ा गाड़ी में। तो ये देखो हम यहाँ शहर के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो हमें इस शहर के आखिरी में जाना होगा, ये शहर के आखिरी में जाना है। सीधा सीधा रास्ता है, देखो यहाँ से एक ये यहाँ के ही कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पे बाहर खड़ा है। नॉर्मली हम जैसे जाते हैं तो दुकान के अंदर होते हैं सब, पर हमें इनसे क्या, हमें जो करना है हमें वो करने आए हैं। हम अपने घोड़े गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, क्या यहाँ पे थोड़े सेफ रहेगी, वहाँ पे बीच रास्ते में हम नहीं खड़ी कर सकते थे। तो ये लड़कियों को क्यों ना है वो तो मुझे भी नहीं पता है, ये लड़कियाँ अपना काम करेंगी। हमको हमारे अंकल के साथ रहना, जो ये इनका जो अंकल के साथ आए हैं हम, ये जहाँ लेके जाएंगे हमें वहाँ अपना सामान वामान बेच के, जो भी हमारे खाने का है वो सब बेच के हमें थोड़े पैसे इकट्ठा करने हैं। चलो यहाँ पे कोई जनरल स्टोर कहाँ है वो हमें नहीं पता, पर वो हमें इनके पीछे चलेंगे तो पता चल जाएगी थोड़े समय में। फॉलो अंकल, अंकल को ही फॉलो कर रहे हैं। ओ, शायद यही दुकान है, देखने से तो यही दुकान लग रहा है। इसमें कोई बाहर नहीं खड़ा है यार, पर ऐसा नहीं है। देखो ये है काउंटर वाला, हमें इसके पास अपना सारा सामान मतलब जितना भी सामान बेचना है तो हम यहाँ बेचेंगे। क्या क्या बेचना, हम ये बेच देते हैं, ये सब बेच देते हैं। हमारे पास कितने पैसे आएंगे टोटल, हमारे पास 21 डॉलर हो चुके हैं। देखो हमारे पास हमारे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम कुछ ले भी सकते हैं यार, पर ले लेते एक आध चीज़। चलो चलते हैं, अब बहुत पैसे खर्च कर लिए हमने $1। तो यहाँ हम आ चुके हैं, हमारे अंकल तो दिख नहीं रहे हैं यार। अच्छा अंकल पीछे पीछे आ रहे थे, अंकल अपने सामान लेके आ रहे थे जो पीना है अंकल को। चलो ये वाला पार्ट थोड़ा स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं किस काम से, अरे ये लड़की को बचाने के लिए आए हैं हम। तो एक काम करते हैं, हम इसको बचाते हैं, हमको देख के इसको मारेंगे नहीं क्योंकि इसको मारना हमको नहीं है, हमको इसको जैसे भगाना है इसको ऐसे ही धमका के।
जी जल्दी से भाग जाएगा कि हम गोली भी चला सकते हैं ना अगर लड़की को बचाने के चक्कर में। इसको परेशान करने देंगे नहीं हम। तो ये हमसे डर के भाग चुका है, हम गोली नहीं चलाएंगे इसके ऊपर। हमको थोड़ा सा इस साइड चलना पड़ेगा। देखिए ये इस घर के अंदर आना था। ये होटल है तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं हमको इससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अच्छा हाँ, हमारे साथ जो तीन लड़कियाँ आई थी वो उसमें से एक जो है वो यहाँ पे आ चुकी है गलती से, तो हम उसी को ढूंढना है। तो पता चल चुका है वो लड़की कहाँ पे है, वो ऊपर है। हम चलते हैं जल्दी से उस लड़की की बचाते हैं। वो लड़की थोड़ा सा चिल्ला रही थी यहाँ से। तो ये जो जगह है ये यहाँ पे, ये तीसरे वाले रूम में है। ऐसे ये रूम तो बंद है, हमको ये तोड़ना ही पड़ेगा, तो तोड़ देते हैं। ओ भाई ये तो कुछ गलत ही काम चल रहा था यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इसको मारते हैं यार, इसकी गलत काम कर रहा था, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसको साले बहुत ही कमज़ोर था यार ये, तो एक ही बार में मर गया यार। इसको थोड़ा सा लूट लेते हैं ताकि हमारे काम की चीज़ मिल जाए हमें थोड़े। चलो हमें थोड़े से पैसे मिले हैं, चलो हमने इस लड़की की जान बचा ली है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। ये हाँ तो हम बाहर आ चुके हैं, हमने लड़की को भी बचा लिया है। लड़की की चेहरे की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, बाकी की दो लड़कियाँ ये सामने हैं अंकल के साथ। तो हमें अब यहाँ से निकलना होगा, हमने यहाँ पे सारा सामान बेच दिया है। ये वाले पार्ट को स्किप करते हैं। तो देखो हमें इसको पकड़ना है सामने से, ये जो भाग रहा है इसको पकड़ना पड़ेगा। ये जो है ये इसको हमें इसलिए पकड़ना है क्योंकि इसने यहाँ पे गलत खबर फैलाई है कि हम यहाँ पे क्रिमिनल हैं। मतलब क्रिमिनल तो हैं पर इसको यहाँ ये बात फैलानी नहीं थी। हम थोड़ा सा गन ले लेते हैं ताकि इसको मारने में, इसको मार तो नहीं सकते पर इसको पकड़ना है। मारेंगे पर इसको मारना ही पड़ेगा, ये भाग रहा है। देखो ये भाग के पूरा हमको कहाँ तक ले जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे रे रे रे, ये तो नीचे गिर गया है। नहीं नहीं शायद बचा है यार, बचा है। ये कहाँ गया, ये यहाँ कहीं होगा, ये रहा, ये बचा है। तो इसको मारें कि बचाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं इसको बचा लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। नहीं काम करते इसको मार ही देते हैं यार, ये बचेगा तो फिर हमारे साथ धोखा करेगा। तो इसको गिरा देते हैं यहाँ से मार के। तो ये मर चुका है अब। तो मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।